मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। तो आइए देखते हैं क्या है आज की गतिविधियां और क्या है आज के घटनाक्रम मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ पे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन और ठारवानी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कल्याण में 10 मार्च को चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यहां दी जा रही है। जय झूलेलाल। कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन या बानीकार मां प्रोफेसर शुभ बोधवानी प्रेसिडेंट, मुझे साजे पैसे आहिनि श्री अमर रिसाणी सेक्रेटरी, उन खां पोइ असांजा आहिनि शशि मैनेजिंग कमेटी मेंबर शशि ठाकुर, मुझे खाबे पासे का श्री सुरेश बुधरानी जॉइंट सेक्रेटरी, उनके पासे में श्री अजय मसन असाजा कार्यकर्ता है ठारवानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास एवजी अस आयल अस कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन वारा तक बुधान चाहूँ त कल्याण में भी सिंधी पेंजो अस्तित्व कायम करी संस्कृति कायम करो साहित्य कायम करो संगीत कायम कर कल्याण में भी कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन की कृपा कई है। जेका कुदरत 5 सालन खां कल्याण के सभी सिंधियों के एक हंध आने की पूरी कोशिश करे थी। सिंधियों के गड कर उनके साहित्य उनके संगीत के मौज दियण उनके अगते वधाने ला गुजरल 5 सालन खां असां चेटीचंड जो मेलो वड़े पैमाने ते कंदा आयूं। हिन भेरे भी असां यो मेलो छंछर तारीख 10 मार्च ठारवानी सर्कल वसंत वैली रोड कल्याण में कयो आहे, जिते असांजा ब कैबिनेट मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे, श्री रविंद्र पाटिल श्री रविंद्र चौहान उन खां सवाइ श्री एमपी पाटिल कपिल पाटिल या भी केतिरा असांजा सिंधी मुज़ मेहमान उते ईंदा जेके हिन मेले जो शान वधाईंदा। भावरो असां चाहियूं था त असीं सिंधी पंहिंजो साहित्य पंहिंजी संगत पंहिंजी कविता पंहिंजा लेख पंहिंजा सभु जेके आहिनि दुनिया में अहिड़े नमूने फैलायूं जीअं सिंधी हिकु दफ़ो वरी पंहिंजी हस्तीअ खे सुञाणनि पंहिंजी ताक़त खे सुञाणनि ऐं उन ताक़त जे आधार ते अॻिते हली करे पंहिंजा मिसाल हल कराइनि। चेटीचंड जो मेलो बि इन करे मल्हायूं था त कल्याण जा सभई सिंधी भाउर भेनर गॾिजी करे हिकु मंच ते अचनि पंहिंजो आवाज़ु क़ाइमु कनि त जीअं असांजा जेके मिसाल आहिनि वॾनि ताईं पहुचाए सघूं ऐं उनखे असां हल कराइण में पूरी कोशिशि कयूं। असांखे हिन कार्य में भाउ मोहनदास ठारवाणी जेको ठारवाणी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मालिक आहे उन जी बि काफ़ी असांखे मदद मिलंदी आहे। हर दफ़े उहो असांखे चवंदो आहे तव्हां अॻिते हेॾो मां तव्हां सां गॾु आहियां ऐं हिन भेरे बि हुन नौजवान भाउर असांखे काफ़ी मदद कई आहे जंहिं लाइ मां हुनजो थोरातो आहियां। मां पंहिंजे दोस्तनि जो बि थोरातो आहियां, मेंबरनि जो बि थोरातो आहियां जेके हर ॾिस में असांखे अचनि था, हथ कदम सां कदम मिलाए हिन कार्य खे अॻिते वधाइनि था। तव्हांखे ॿुधी ख़ुशी थींदी त कल्याण में अहिड़ो इंतिज़ाम वारो फंक्शन ॾाढो मुश्किल थींदो आहे। गुज़िरियल साल हिन फंक्शन ते 1700 माण्हू आया, उन खां अॻु में 1500 आया ऐं हींअर बि असांखे उमेदु आहे त लॻभॻि 2000 असांजा सिंधी भाउ भेण अची करे हिन संगति मौज मचाईंदा ऐं झूलण जो नालो अमर कंदा।
कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन जा सभी मेंबर मुझा साथी दोस्त ए ठारवाणी इंस्ट्रक्टर जो स्टाफ खुद मोहनलाल मोहनदास ठारवाणी ये भी असा जुड़ल अस अगत भी गडल क्वेश्चन से इन मौज मचाइंदे ये मेला लगाइंदा रहंदे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर में 11 मार्च को फुल बॉडी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है जो 13 पंथ भवन सेक्शन 29 उल्लासनगर 4 में रखा गया है। मैं आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर डोंबिवली से आई हूँ। मेरा नाम प्रियंका पाटिल करके है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर जैन ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे इंडिया में 25 सेंटर है, मुंबई में 8 सेंटर है, पर 8 सेंटर में से डोंबिवली ये अपना फर्स्ट ATDC सेंटर है। ATDC सेंटर में ब्रांडेड कंपनी के मशीन यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि होरिबा, अरबा ऐसे मशीन है। पर रेफरेंस लैब करके थाना में हेल्थ सॉल्यूशन करके एक लैब है, उसमें जाते हैं। हमारे ATDC में जो भी टेस्ट पॉजिटिव आती है उसमें जैसे कि वायरस टेस्ट ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव निगेटिव आता है तो हम लोग रेफरेंस लैब में भेजते हैं। रेफरेंस लैब में एलाइजा मेथड से ये टेस्ट किए जाते हैं। डोंबिवली ये सेंटर 8 फरवरी 2016 से चालू हुआ है। ये 2016 से 2018 तक हमने पाँच या छः कैंप किए हैं। अभी हम लोग उल्लासनगर सेक्शन 29 13 भवन में सेक्शन 29 उल्लासनगर में करने वाले हैं। ये इसमें फुल बॉडी चेकअप किए जाने वाला है। जैसे कि बाहर के लैब में 4000 में होने वाली टेस्ट, हमारे इधर 1200 में होगी। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, RFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट अपने इधर ये कैंप में 110 टेस्ट होने वाले हैं। 110 टेस्ट होने वाले, पर आपको ये टेस्ट के लिए 11 मार्च को सुबह 8 से दोपहर को 2 बजे तक ये कैंप आयोजित किया गया है। यह कैंप में आने से पहले आप फास्टिंग में आना है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, दूध, बिस्किट कुछ लेने का नहीं है, पानी पी सकते हो। ये इसमें 110 टेस्ट में यूरिन टेस्ट भी आपकी होने वाली है। मुझे नालो गिरीश सुखेजा, उल्लासनगर जिला का खुशखबरी है। उल्लासनगर जैन भवन जैन श्वेतांबर 13 सभा 4 नंबर में सेक्शन 29 में एक फुल बॉडी चेकअप जो रखो वो जैमें 1200 रुपया उनकी चार्जिस आ। उनमें 110 टेस्टू थींदियूं, उनमें किडनी, लिवर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हेमोग्लोबिन, अन्य बो भी केतरी टेस्टू उनमें थींदियूं, जेका हेल्थ लाइ इम्पोर्टेंट आ। हेल्थ असाय लाइ का वेल्थ आ, हेल्थ से असाय लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कंदी आ। सभी के असाय तरफा सभी के निवेदन आ, इनवाइट तो कियो वने कि सब जणा इन टेस्ट जो लाभ वठन। ये जो सेंटर आ जिनके थ्रू ये टेस्ट रखी वही है, यो सेंटर जो आ डोंबिवली में आ, ऑल ओवर इंडिया में इन सेंटर इन ISO सर्टिफाइड आ। एक सुठो प्रयास आ सभी की हेल्थ सुठी रहे, सभी तरफ अस चाहूँ था सभी के काई भी प्रॉब्लम न हो जे हेल्थ से रिलेटेड। सभी के निवेदन आ, इनवाइट तो कियो वने, सभी इन टेस्ट जो लाभ वठन। टेस्ट जो टाइम आ डी आ 11 मार्च सुबुह 8 का 12 बजे तक टेस्ट जो टाइम रखो वो आ। उनमें रात का समझो 8 to 12 hours तला फास्टिंग जरूरी आ। उनमें कुछ भी चाय, कॉफ़ी, मिल्क वगैरह कुछ भी पी न अचण आ, खाली पेट अचण आ। वॉटर तुम पी सकना, ब्रश वगैरह सब कर सकना हो। वरी तक वो ही चवन चाहिए सभी टेस्ट जो लाभ वठन। सर इनमें एक टेस्ट इनमें एक जी टेस्ट पूरी थी उन 8 to 10 days रिपोर्ट इंदी। एक दफो डॉक्टर की कंसल्टिंग भी फ्री आ, आई चेकअप भी सभी लाइ फ्री आई चेकअप लाइ केर भी अची सकता सभी लाइ फ्री आ। सभी उल्लासनगर वासी सभी के सिक भर सदा टेस्ट जो लाभ वठन। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज पिछले दिनों उल्लासनगर 3 में स्थित सिंधी युथ सर्कल में पधारे, जहां उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया
आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए प्लॉट देने की बात को लेकर समाज सेवी अमर जोशी आम मरण अनशन पर बैठने वाले हैं। हमने की उनसे मुलाकात, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं उल्लासनगर वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज हम जब हम हमारे संविधान को पढ़ते हैं और जब हम पहली से दसवीं कक्षा तक जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन उल्लासनगर में जो स्थिति है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने हमारे मुस्लिम भाइयों को मरने के बाद में दफन होने के लिए उनकी बॉडीज़ के लिए मुस्लिम बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रस्तान हम नहीं दे पाए ये 70 वर्षों में। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए दोषी मैं अपने आप को स्वयं समझता हूँ। और इसके तहत एक मुहिम हम चला रहे हैं जो कि सत्याग्रह के माध्यम से होगा। 12 मार्च 2018 उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने मैं अनेक कार्यकर्ताओं के साथ में सत्याग्रह पे बैठ रहा हूँ आमरण अनशन पे। और जब तक कि हमारी कॉरपोरेशन हमारे को हमारे मुस्लिम भाइयों को कब्रस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करके उसको कंस्ट्रक्ट करके लीगली हैंडओवर नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उल्लासनगर वासियों को थोड़ा समझना चाहिए कि देखिए हमारा उल्लासनगर जो है इधर एक कॉरपोरेशन है, हमारे पास में इतने प्रशासन के अधिकारी है, 70 से अधिक चुने हुए नुमाइंदे हैं, इतने संत हैं हमारे पास में, अनुयायी है, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन इश्यू है, मानवता का जो इश्यू है, उसको हमने हमारे से दरकिनार कर दिया। उल्लासनगर का अगर हमको समग्र विकास करना है तो ये बेसिक इश्यूज़ को सॉल्व किए बिना हम डेवलपमेंट उल्लासनगर की कर ही नहीं सकते। और हमको ये एक समाज के ऊपर मुद्दा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है और ये हमको करना ही चाहिए। कि कर्तव्य हमारा कि हमको ये मुस्लिम समाज को कब्रस्तान यहाँ पर मिले, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि पूरा उल्लासनगर इसमें हमारा साथ दे, ये हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक भाईचारा इसमें दिखे। एक बार फिर मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आमरण अनशन की तारीख 12 मार्च 2018 सुबह 10:30 बजे से ये शुरू होगा उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने। आप सभी शामिल हो और
शहरवासी सभी शामिल हो और ये एकता का एक प्रतीक हमको दिखाना है कि हम सब एक है और हम हमारे संविधान को हमने जो बचपन से सीखा है कि हमारे सभी भाई बहन हम जो है सारी ही जाति संप्रदाय के लोग हम ये भारत देश में बहुत ही अच्छे से रहते हैं और हम एक मेक का ख्याल रखते हैं, यही हमको प्रदर्शन करना है। आप प्लीज़ प्लीज़ सभी आइएगा। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर 3 में स्थित अमर पीर राजावीर मंदिर में वार्षिक महोत्सव प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर साईं पार्टी टीम ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। लख जीवन गोट गौशाला के वर्षगांठ और स्वामी लीला शाह के जन्मदिन पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं भरत भगत और राजकुमार शर्मा। जय श्री कृष्ण। चालीह मंदिर के 5 नंबर के पासे में असाने साईं लख जीवन गोट गौशाला 5 नंबर में असाजा राधा कृष्ण मंदिर भी ठहल है उत असा गौ दर्शन जो अची कर छंछर आरतवार ॾही यारहीं ॿ ॾींहं असांजो छायादी जो प्रवचन ॿुधो, सत्संग में अची भाग वठी पंहिंजो जीवन सफल कयो ऐं गऊ माता जो दर्शन कयो, आशीर्वाद वठो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। शहनशाह शाहनि जो शाह स्वामी लीला शाह सादगी जा स्वरूप संतनि जी महिमा स्वामी लीला शाह जे चरणनि में असांजो सिंधियुनि जो महान संत जंहिंजो जनमदिन 149 जनमदिन 12 तारीख़ सिमरन सेवा NGO मनाए थी। गांधी रोड जे मंदरु आहे स्वामी लीला शाह जो, जेको सिमरन सेवा NGO खे ॾिनो वियो आहे संभाल करण लाइ। असां सभिनी सिंधियुनि खे इहा वेनती था कयूं पिया त अची करे प्रसाद ग्रहण करियो ऐं सिंधी साहित्यकारनि जो भीषम पितामह श्री डॉक्टर दयाल शाह जीअ जे हथ सां केक कटण जी रस्म रखी वई आहे ऐं छाया दीदीअ जो सत्संग मधुसूदन आश्रम मां छाया दीदीअ जो सत्संग प्रवचन रखिया विया आहिनि 12 बजे मंझंदि जो 12 तारीख़। तव्हां सभिनी खे कुर्बाइती कोथड़ी कई वञे त अची करे प्रसाद ग्रहण कयो ऐं सिमरन सेवा NGO वारनि जो मनोबल वधायो ऐं सुठे नमूने आशीर्वाद वठो स्वामी लीला शाह वारनि जो। सादगी जा स्वरूप शहनशाह शाहनि जा शाह स्वामी लीला शाह। जयराम जी की। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मेरा उल्लास की टीम आपको रूबरू करवाती है सिंधी समाज से जुड़ी किसी न किसी शख्सियत से। तो आइए आज मिलते हैं सिंधी समाज के प्रसिद्ध एक्ट्रेस काजल मूलचंदानी से।
असांजे सिंधी समाज में घणेई लेखक कलाकार फनकार गायक साहित्यकार आहिनि, लेकिन मुख्य ॻाल्हि इहा आहे की असांजे पंहिंजे सिंधू नगर यानी उल्हासनगर में वधि कलाकार ऐं गायक आहिनि, साहित्यकार आहिनि, जिन देश विदेश में पंहिंजो नालो रोशन कयो आहे पंहिंजे साहित्यिक सरगर्मियुनि सां, पंहिंजे संस्कृतीअ सां, पंहिंजे कला जे जोहर सां। अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ी ई अदाकारा मौजूदु आहे जंहिं सिंधी फिल्मुनि में ऐं सिंधी नाटकनि में पंहिंजे अभिनय जो, पंहिंजी योग्यता जो जोहर ॾेखारियो आहे। असां सां अॼु गॾु आहिनि स्टूडियो में काजल मूलचंदानी जी। कीअं रहियो आहे सफ़र सिंधी नाटक, सिंधी फिल्मूं, ऐं दरअसल पुछूं त इन जी प्रेरणा किथां खां मिली, कीअं शुरूआति थी? जी, सफ़र त ॾाढो सुठो आहे ऐं अञा ताईं हले वेठो, उहो बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। प्रेरणा हाणे चइजे त तव्हां मुंहिंजी मम्मी खे सुञाणींदा हूंदव। मुंहिंजी मम्मी रेशमा मूलचंदानी क्रांति, जंहिंजो थिएटर नालो क्रांति हुयो, त उहे थिएटर सां जुड़ियलु हुई चङे टाइम खां, पंहिंजे मतिलबु कीअं यंग एज खां उहो जुड़ियलु हुई रमेश डाडाणी सां, एस पी मेघाणी सां, जसवंत कुमार सां। पोइ शादी खां पोइ, छॾण खां पोइ, जीअं मां वॾी थियमि, आफ्टर मतिलबु ईअं सम्झो की मां 15-16 साले खां ई मां थिएटर जॉइन कयो हुयो, त मुंहिंजी बि शुरूआति जसवंत कुमार ऐं एस पी मेघाणी सां ई थी, नीरू असरानी सां। मतिलबु ईअं सोचो की मां अनगिनत शोज़ कया आहिनि हाणे ताईं, 100 खां मथे हूंदा मुंहिंजे हिसाब सां। चङो सुठो सफ़र रहियो आहे ईअं चइजे। 100 शोज़ बि करणु हिकु तमामु वॾी ॻाल्हि लेखिबी आहे, छो त पर्सनली मां बि रेशमा मूलचंदानी खे सुञाणंदमि, उन्हनि सां गॾु घणेई प्ले पिणु कया, सिंधी नाटकनि में भाॻु वरितो। हिकु नेचुरल कलाकार चइजे, अहिड़ी उन्हनि में योग्यता हुई जेका तव्हांजे फिल्मुनि में ऐं नाटकनि में बि नज़र पई अचे। ऐं जेके तव्हीं सिंधी नाटक, सिंधी फिल्मूं कयूं आहिनि, त नेचुरली उन में तव्हां हीरोइन जी अदाकारी कई आहे, लीड रोल्स कया आहिनि, त उन लाइ कुझु इनाम इकराम बि मिलिया हूंदा? हमेशह झूलेलाल साईं जी कृपा रही आहे, हर हिकु फिल्म लाइ अवॉर्ड मिलियो आहे। इवन दिल्ली गवर्नमेंट खां बि मूंखे अवॉर्ड मिलियो हुयो, असांजी मूवी खे, नई शुरूआति खे अवॉर्ड मिलियो हुयो, त हर मूवी लाइ अवॉर्ड मिलियो आहे। ऐं कीअं ख़ासि इनाम बि ॾिनो हुयनि हिते ई उल्हासनगर में ई, स्टार अवॉर्ड, मतिलबु की कीअं उन हिकु ई साल में मुंहिंजी 3 पिक्चर रिलीज़ थी हुयूं ऐं हुन में मां 3 में लीड हुयमि, त इहा हिकु मुंहिंजे लाइ बि हिकु कीअं अचीवमेंट आहे मुंहिंजे लाइ। काजल, हिकु फिल्म ऐं रंगमंच ॿई डिफरेंट ॻाल्हियूं आहिनि। रंगमंच ते तव्हां जेको परफॉर्म कयो था उहो सिधो दर्शकनि ताईं वेंदो आहे, ऐं जेको असीं ऑन कैमरा कयूं था उन में कट्स थींदा आहिनि, पार्ट्स थींदा आहिनि, रीटेक्स थींदा आहिनि, त तव्हांखे इन्हनि ॿिन्ही मां कंहिं में मज़ो वधीक ईंदो आहे? मूंखे त ॿिन्ही में ई जाम मज़ो ईंदो आहे। ॿई सीरियसली ॿई अलॻि शयूं आहिनि। मतिलबु थिएटर में कीअं हिकु कट न हूंदो आहे, सॼो कलाक जो या 1.5 कलाक जो ड्रामा आहे, उन में तव्हां हिकु हंधि बि मिस्टेक न करे सघंदा आहियो, ऐं कैमरा में या शूटिंग महिल तव्हां केतिरी बि मिस्टेक कयो त हली वेंदो आहे, बट ॿिन्ही जो मज़ो अलॻि आहे ऐं ॿिन्ही जो जेको जौहर आहे उहो ॾाढो सुठो अलॻि आहे। पर ईअं त आहे ज़रूरु, रंगमंच जे कलाकारनि सां असीं इंटरव्यू वठंदा आहियूं त उन्हनि खे वधीक मज़ो इन करे स्टेज ते ईंदो आहे की उन्हनि खे लॻंदो आहे की जेको दर्शकनि जो रिस्पॉन्स आहे, दर्शकनि जूं ताड़ियूं, दर्शकनि जा घोड़ा, दर्शकनि जो रोहण, दर्शकनि जो खिलणु, उन्हनि जे साम्हूं लाइव थींदो आहे, जबकि ऑन कैमरा असांखे ख़बर न पवंदी आहे की थिएटर में दर्शक कीअं रिएक्ट थो करे। ॿई वोइस मां चवां न, ॿिन्ही जो ई पंहिंजो मज़ो आहे, ऐं जीअं असां थिएटर में शो कंदा आहियूं लाइव, उन खां पोइ जीअं ऑडियंस असांखे एॾो प्यारु ॾींदी आहे, मतिलबु उहो त मां चवंदमि की मूंखे ॾाढी ब्लेसिंग आहे साईंअ जी। हमेशह जॾहिं बि शो ख़तमु थींदो आहे सभु ऑडियंस जाम एप्रिशिएट कंदा आहिनि ऐं सभिनि जो प्यारु मिलंदो आहे। इवन मूवीज़ जो बि, मूवीज़ जो पाण पोइ बि उहो हलंदो रहंदो आहे, छो जो मूवीज़ कीअं अॼु हिकु शहर, ॿिए शहर, टे शहर, सभिनि हंधि माण्हू फ़ोन कंदा आहिनि, ईंदा आहिनि, मिलंदा आहिनि, त ॿिन्ही जो ही पंहिंजो ई हिकु अलॻि ख़ासि महत्व आहे। अच्छा काजल, वॉट इज़ नेक्स्ट? हाणे छा नेक्स्ट छा पिया कयो? हाणे मां ड्रामास वेठी कयां, कीअं पंहिंजा ड्रामास कीअं, की हिकु असांजो ग्रुप आहे उन में असां हर हंधि ड्रामास कयूं था, ऐं बसि मुंहिंजो इहो ई आहे की सिंधी ड्रामा हुजनि, केरु बि करे, सिंधी ड्रामा, सिंधी मूवीज़, गाना हुजनि, हलंदा रहनि, छो जो असांजी ॿोली आहे हीअ, ऐं ॿोली खे क़ाइमु रखण लाइ असांजो कल्चर हुजणु जाम ज़रूरी आहे, त कल्चर बरक़रार रखंदासीं असां ड्रामा, गीत संगीत, फिल्मुनि सां,
बस वो तवां जो असन जे इनन दर्शकन के जेके असन के दिसी रहे हैं उनन ला यो ही ता जो संदेश है के बोलिए के जिंदा रखनो है ता असन के इनन गालन के जिंदा रखनो पंदो तमा ओई उल्लासनगर जे सबिन शहर वासिन के यही चवनम के असन जी बोली जेका है अस सिंधी आयो यो अस जो अस्तित्व है ए केड़ो भी अस्तित्व केड़ो भी इंसान पेंजी बोली सा ही सुनानंदो वेंदो है ता असांजी बोली के कायम रखण लाए डाढो जरूरी आहे ता असां पंहिंजे कल्चर के बरकरार रखूं थिएटर जे ज़रिए ड्रामा जे ज़रिए फिल्मुनि जे ज़रिए गीत संगीत जे ज़रिए कहिड़े बि नमूने हर हिकु सिंधी कलाकार खे तव्हां हिमतायो त इहे आहिनि काजल मूलचंदानी जी ऐं असांजो दुआऊं ब्लेसिंग्स हिननि सां गॾु आहिनि सदाई अॻियां वधंदा रहनि सिंधियत जो नालो त रोशन कनि पंहिंजो बि ऐं सिंधी रंगमंच सिंधी फिल्मुनि खे बरकरार रखी करे सिंधियत जी सेवा कंदा रहनि त वरी अॻिले एपिसोड में मिलंदासीं हिकु नई शख़्सियत सां सभिनी सिंधियुनि खे असांजो सलाम जय झूलेलाल जय झूलेलाल आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़ देखते रहिए मेरा उल्लास तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज एकता भाईचारे का हो सदा एहसास हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास मेरा उल्लास 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 आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास